अभी क्या? बस बस इस घर में और एक पल नहीं रह सकता मैं। मुझे तो जिंदगी भर इस चेहरे के साथ ऐसे रहने का श्राप मिल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी घर वाले भी श्रापित महसूस करें। और गलती मेरी थी ना, मुझे में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस चेहरे के साथ मैं बाहर जाऊं, जौहरी से मिलूं और खुद स्वर्ण मुद्राओं का ऑर्डर प्लेस करूं। अगर मैं बाहर जाता तो गलती होती नहीं होती ना, गलती मेरी थी। काम करो, ये लो पकड़ो इसको, तुम भी अपना सामान पैक करो, हम दोनों इस घर से एक साथ बाहर जाएंगे। और जैसे ही तुम चौखट से बाहर निकलोगी ना, यू आर जस्ट फ्री टू गो एनीवेयर। तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकती हो चाहत, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन भी मेरे इस मनु साई के साथ रहो। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? नील, खबरदार जो आपने अपने आप को मनुष्य कहा। नील, क्या हो गया है आपको? कैसी मनुष्यत, कैसा शराब। नील बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए यहाँ पे। नील, आप तो हमेशा से इतने प्रैक्टिकल थे ना। हमें मानती हूँ हमारे साथ एक हादसा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इस हादसे से उभरा नहीं जा सकता। मेरी वजह से व्यास जी का अपमान हुआ है चाहत। माना कि मैंने जिंदगी में कभी उनको खुशी नहीं दी है, लेकिन मैं उनको ऐसे दुख देने का हक भी नहीं रखता हूँ। नील, ऐसे खुद को नहीं कोसते। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम साथ मिलकर उसका सलूशन ढूंढेंगे ना। आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसे अपना चेहरा छुपाकर भागेंगे तो आपको चैन की नींद आएगी? और मैं तो ऐसे नील को जानती हूँ, जो हर मुश्किल का सामना डट कर करता है। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना होगा कि असली सोने के सिक्कों की जगह नकली सोने के सिक्के किसने रखे हैं। और इस बात का पता हम लगा कर रहेंगे।